नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और आइए खबरों की शुरुआत में आपको एक बार फिर हम लिए चलते हैं आज सुबह मॉर्निंग प्राइम टाइम के इस हिस्से में जामिया में, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन की सूरत एक बार फिर दिखाई दे रही है। और कड़ाके की सर्दी में जो छात्र वहां पर कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल यहां पर यह कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उसका जवाब कौन देगा। और इसी जवाब को हासिल करने के लिए छात्र इस वक्त फिर प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं। देर रात तक प्रदर्शन चला था, आज सुबह 4 बजे ये प्रदर्शन खत्म हुआ था। छात्रों का PHU के बाहर डटे हुए थे छात्र, लगातार ये मांग थी कि जिन्हें डिटेन किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन अब एक बार फिर से प्रदर्शन की सूरत यहां पर दिखाई दे रही है। जामिया दिल्ली से यह तस्वीर, छात्र शहजाद जिसे आप शर्टलेस यहां पर देख रहे हैं, और कड़ाके की इस ठंड में ये छात्र यहां पर बैठे हैं इस बात को जाहिर करते हुए कि आखिर छात्रों के साथ जो बदसलूकी हुई उसका जवाब कौन देगा। हालांकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलील है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि पहले छात्रों की तरफ से पथराव हुआ, हालात बिगड़ रहे थे, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ा। तो वहीं छात्रों का यह कहना है कि छात्रों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस की यह बर्बरता थी। तो यह आधी रात की तस्वीर और आज सुबह एक बार फिर कैंपस में विरोध। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी परिस्थिति के बीच अब यहां से आगे इन हालात को सुधारने के लिए क्या कोई प्रयास प्रशासन की तरफ से होते हैं, क्योंकि राजनीतिक माहौल में भी ये देखिए बयानबाजियों का दौर जारी है। बीजेपी का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी के तरफ से ये हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो आम आदमी पार्टी उल्टा आरोप बीजेपी पर लगा रही है। और इस बीच छात्र बैठे हुए हैं लगातार धरने पर। पुनीत, लगातार जामिया में बने हुए हैं, हमें वहां से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और आखिर प्रदर्शन वहां पर कैसे चल रहा है बता रहे हैं। पुनीत, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम जो तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं छात्र एक बार फिर वहां शर्टलेस बैठे हैं कड़ाके की इस ठंड में और बिना कुछ बोले वहां बैठे हुए हैं। अपने आप में ये तस्वीर ये बताने के लिए जारी कि आखिर छात्रों को इस हद तक क्यों गुजरना पड़ रहा है। पुनीत, अभी दिखाएं जरा वहां पर क्या हो रहा है, प्रदर्शन को लेकर क्या सूरत है अभी। देखिए, आपको बता दूं कि आज तक को वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई है। लाइव के दौरान हम लोगों की गाड़ी पर हमला किया गया, हम लोगों को वहां से हटा दिया गया है, और हम लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर हम वहां पर स्पॉट रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे साथ। जबरदस्ती हमारी गाड़ी में हमें बैठाया गया, कैमरा छीना गया, हमारा कैमरा बंद कराया गया, और उसके बाद हमें वहां से भेजा गया। मेरी गाड़ी पर भी कुछ लोगों ने हाथी मारे थे, और फिलहाल हम लोगों को वो स्पॉट छोड़ना पड़ा है वहां पर। लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट लगातार नेहा जारी है, और जो स्थिति है वहां पर वो ऐसी है कि कुछ लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने कपड़े उतारे हैं, और ठंड में होने के बावजूद वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जो भी रुख अख्तियार किया था स्टूडेंट के खिलाफ वो पूरी तरीके से गलत है, और दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये फिलहाल उनकी मांग है। नेहा, पुनीत स्टूडियो से मीनाक्षी बोल रही हूँ, और मैं देख पा रही हूँ कि जो तस्वीरें अभी भी वहां पर लगातार चल रही है, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से सवाल ये कि अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि छात्र जिस मांग पर अड़े हुए हैं उसके बाद क्या कोई बातचीत का रास्ता यहां से निकलेगा, उनसे बातचीत की कोई कोशिश की जाएगी, उसके मद्देनजर क्या आपको दिख रहा है, वहां पर सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि किसी तरह से छात्रों को मनाने समझाने बुझाने का कोई प्रयास होगा। देखिए, जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किल से सुबह जब 50 स्टूडेंट जो डिटेन किए गए थे उनको छोड़ा गया था, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म होता। हालांकि जो पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें छात्रों ने यही कहा था कि वो प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे, लेकिन अभी यहां पर सुबह से शांति थी, अचानक कुछ स्टूडेंट पहुंचे हैं जिन्होंने अपने कपड़े उतारे और उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू किया। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि वहां पर अब बातचीत का दौर शुरू होगा, VC ने खुद इंटरफेयर किया है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार टच में है। हालांकि अभी वहां पर फोर्स को सुबह हटा लिया गया था, डिप्लॉय नहीं किया गया है, और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने आज दिल्ली पुलिस से एक रिपोर्ट भी मांगी है जो कि शाम तक उनको देने के लिए कहा गया है, और नहीं देने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। यानी कि जांच की जो बात है वो सामने आ रही है, और बातचीत का दौर भी लगातार खुला हुआ। JNU प्रशासन हालांकि पुलिस पर आरोप लगा रहा है, पुलिस उनके आरोपों का खंडन कर रहा है, आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ जो स्टूडेंट जो जामिया के अंदर रह रहे थे वो अब अपने सामान को लेकर के अपने घरों की तरफ रुखसत हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि माहौल यहां पर ठीक नहीं है, पुलिस घुसकर मारपीट कर रही है, ऐसे में वो लोग यहां सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित आशियाने की तलाश में वो फिलहाल सुबह होते के साथ ही अपने अपने हॉस्टल्स को छोड़कर निकल रहे हैं।
पुनीत लौटते हैं आपके पास, आप लगातार घटना पर नजर बनाए रखें, लेकिन आज सुबह की एक तस्वीर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक छात्र जिसने अपनी शर्ट उतारकर कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन करने की, विरोध जताने की कोशिश की, शहजाद जिसका नाम है, उससे जब बातचीत हुई, सवाल पूछे गए, उसने क्या कहा सुनिए। गिनती नहीं है जिस तरह से जामिया के वकार को बदनाम किया गया है, यहाँ के लड़के हिंसक होते हैं, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह। शहजाद क्या चाहते हैं आप, अपने आप को इस तरह से क्यों तकलीफ दे रहे हैं? देखिए इनका इनका यही डिमांड है कि दिल्ली पुलिस से कार्रवाई हो, ताकि देश की किसी यूनिवर्सिटी में छात्र की आवाज किस तरह कुचला ना जाए बर्बरता से। हम छात्र देश का भविष्य है, हम छात्र देश का भविष्य, आप हमें ही बर्बाद करने में लगभग उन्हीं छात्रों के लिए। मैडम किसी के जान चले जाने के बाद अगर सपोर्ट मिलता है तो क्या वो जाने वापिस हो सकती है? क्या वो दहशत लोगों के अंदर से आप निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हैं तो बता दीजिए, मैं उठ जाऊंगा यहाँ। जी जी शहजाद आपके, लेकिन माँ भी तो देख रही होंगी आपको इस हालत में, क्या सोच रहे हो? बहुत मजबूत, थोड़ा सा लो शहजाद, तुम्हें कथा खाली मोहब्बत अगर कर रहे हो तो ये लो, तुम्हें कथा में नहीं, मैं भूख हड़ताल पर नहीं हूँ ना। हाँ तो ये थोड़ा सा लो, जल्दी देख लो, देखो लो जल्दी। फारूक भाई कल गार्ड को मार पड़ा, एक गार्ड को सर फटा हुआ पता है, वो सब देख रहे हैं। हम साथ है तुम्हारे, हम साथ है बड़े भाई। अगर कोई मारता है तो हमारा दिल दुखता है, हमारा भी बहुत दिल दुखता है। कल पता है कल एक फौजी को क्या बोल के मारा गया है? सामान हूँ मैं तेरे कितनी। फारूक भाई पता है कल एक फौजी को क्या बोलकर मारा गया है? कि तू फौजी है, इधर बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। वो सबने देखा है, वो सबने देखा, सबने देख लिया वो चीज। तो शहजाद ने सबसे पहले शर्ट उतारकर प्रदर्शन करना शुरू किया और वो ये कह रहे हैं कि ये सत्याग्रह है, हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं छात्रों के लिए, हमारे को एड्रेस किया जाए, लेकिन जो ज्यादती हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पुनीत लगातार स्पॉट पर मौजूद है, हालांकि जहां पर प्रदर्शन चल रहा है उससे कुछ दूरी पर वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन पुनीत देखिए ये वो सर्दी है जिसमें 4 से 5 लेयर कपड़े पहनकर कोई भी इंसान घर से बाहर निकलता है, और अगर एक छात्र शर्ट उतारकर वहां प्रदर्शन कर रहा है तो इसका कुछ मतलब है। अब यहां से ये देखना होगा कि क्या वाकई छात्र जिस तरह से लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसे में कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर क्या ये तस्वीर उन लोगों तक पहुंच रही है और वो किस तरह से इसको देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि बात सिर्फ विरोध पर खत्म नहीं होती है। मीनाक्षी विरोध शुरू हुआ था 3 दिन पहले, विरोध हिंसक हुआ और उसके बाद कल रात में देर रात किसी तरीके से ये विरोध, ये प्रदर्शन जो हिंसक था उस पर काबू पाया गया। उम्मीद की जा रही थी कि आज ये विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर पहले यानी कि अब से सुबह से लेकर अभी तक पूरी तरह शांति थी, अब एक बार फिर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है जिसमें कुछ लड़कों ने अपने शर्ट उतारे हैं, ठंड में वो विरोध जता रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर, जो उन्होंने रुख अख्तियार किया है स्टूडेंट्स के खिलाफ, ऐसा इन लोगों का कहना है, उसके खिलाफ इन लोगों ने अपना रुख अख्तियार किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस तक भी हम अपने चैनल के माध्यम से ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की पेशानी पर ये बल जरूर पड़ता है कि आखिर अब एक बार फिर यहां पर इस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि इलाके से पुलिस फोर्स को पूरी तरीके से हटा लिया गया था, सुबह से कोई भी पुलिसकर्मी इलाके में तैनात नहीं किया गया था इस उम्मीद में कि शायद प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन चूंकि अब सुबह हो चुकी है और दोबारा एक बार प्रोटेस्ट शुरू हुआ, सांकेतिक प्रोटेस्ट हुआ, ऐसे में समर्थन मिल सकता है, क्योंकि मामला पूरी तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक हो चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें जुड़ रही हैं, अपनी तरफ से बयान दे रही हैं, तो ऐसे में एक बार फिर उग्र प्रदर्शन ना हो, दिल्ली पुलिस के लिए अहम परीक्षा का समय आप कह सकती हैं, क्योंकि कल जो बवाल हुआ उसमें कई सारी बसों को जलाया गया, बाइकों को जलाया गया, तो अब उग्र प्रदर्शन ना हो दिल्ली पुलिस के लिए कड़ी चुनौती, और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फौरन ही दिल्ली पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जो फिलहाल जामिया की सड़कों से पूरी तरह नदारद है। मीनाक्षी ठीक है पुनीत, आपके पास हम लौट रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई थी कि जिसमें पुलिस छात्रों पर लाठी बरसाते हुए दिखाई दे रही थी, इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी गठित करने को लेकर तस्वीर सामने आ रही है, जिसके मद्देनजर ये तय किया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना इस तरह से हुई, क्यों ये हालात बिगड़े, पुलिस के एक्शन को लेकर ये जांच कमेटी गठित की जाएगी। और देखिए छात्र लगातार ये मांग कर रहे थे कि आखिर क्यों जो फीमेल स्टूडेंट्स वहां पर थी उन पर लाठियां बरसाई गई, लहू लुहान होते हुए छात्र दिखाई दिए, लेकिन आखिर ऐसा एक्शन क्यों लिया गया, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, लेकिन हम इंतजार करेंगे थोड़े से और इस पर जो है डिटेल सामने आए, अपने रिपोर्टर से भी हम संपर्क करेंगे, लेकिन सवाल
लगातार यही उठ रहा है कि छात्र भी ये मांग कर रहे हैं कि जांच कमेटी गठित की जाए। क्या इसे लेकर अब वाकई आगे किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन को लेकर और निष्पक्ष जांच जिसकी मांग की जा रही है उसे लेकर कोई कड़े कदम आगे उठाए जा सकते हैं, या जो पुलिसकर्मी उन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर कोई एक्शन होता है जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच तस्वीरें प्रदर्शन की वहां पर लगातार जारी है, राजनीतिक लिहाज से बयानबाजी अपनी तरफ, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। नागरिकता कानून को लेकर जो तस्वीरें बंगाल और असम से आ रही थी वही देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगी हैं। जामिया मिलिया के छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने सख्ती की सारी हदें पार कर दी। इस कार्रवाई का विरोध सुबह 4 बजे तक दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर चला। नागरिकता कानून के खिलाफ लड़ाई दिल्ली तक आई। पुलिस ने की ज्यादती या छात्रों ने की पत्थरबाजी आगजनी, आप विधायक अमानतुल्ला पर क्यों लगे हिंसा भड़काने के आरोप? 1857 से लेकर 47 तक जो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ के जिन लोगों ने आजादी की उनको यहाँ से निकालने की प्लानिंग हो रही है। क्या सियासी चिंगारी से भड़की नागरिकता कानून के विरोध की आग? देश भर में बवाल पर सरकार से विपक्ष के सवाल। चप्पल से, चप्पल से। गहलोत ने जताई चिंता, अमरिंदर की मांग हटे विवादित नागरिकता कानून। जामिया में हुए कल बवाल को लेकर छात्रों का यह आरोप है कि पुलिस ने कैंपस में घुसकर छात्रों को पीटा। पूरे मामले पर छात्रों का क्या कहना है सुनिए।
दरअसल जब ऐसी तस्वीर आती है तो एक सबसे बड़ी जो समझदारी का काम करना होता है समाज को वो ये कि अफवाहों से बचे, सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो से बचे, दावों से बचे। ये तमाम सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कल यहाँ पर मौजूद थे। इनमें से कितने सारे लोग आप एक बार, मैं चाहूंगा हाथ उठा के बताएं कि जब यहाँ हिंसा थी आप लोग यहाँ मौजूद थे? सब मौजूद थे। हाथ में देख लीजिए, चोट लगे हुए यहाँ, ये आपको चोट लगी? चोट लगी हुई है। सभी यहीं थे, सभी यहीं थे। यहाँ पे एक नदीम नाम के लड़के के पैर में गोली भी लगी है और वो होली फैमिली में एडमिट है। तीन लड़कियों को बाहर निकाल के मारा पुलिस वालों ने। मुझे एक चीज खाली मैं ये समझना चाहूंगा कि हमने पत्थरबाजी की भी तस्वीरें देखी हैं, पुलिस की ओर से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसकी भी तस्वीरें देखी हैं। अब एक एक करके आप अपनी बात कहें कि हिंसा की शुरुआत कब और कैसे कहाँ से हुई। अब मैं बताता हूँ, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 3 दिन पहले। जामिया ने बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट निकाला था कि हम पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे स्टूडेंट्स ने। पुलिस हमें एक नंबर गेट पर रोकती है, बैरिकेड्स लगाती है, बच्चे बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने मारना शुरू किया, प्रदर्शन बैरिकेड से जब आगे बढ़ा तब पुलिस ने लाठी चार्ज। नहीं नहीं नहीं, देखिए पुलिस की तरफ से भी धक्का धुक्की हो रहा था, बच्चों की तरफ से भी हो रहा था। मेरी बात सुनिए, या तो मैं बोलूंगा या तो मेरे जुबान में आप डाल लीजिए अपने वर्ड्स। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, आप वर्ड्स मत डालिए मेरे माउथ में। हम लोग वहां पे थे, बैरिकेड्स पे पुश एंड पुल होता है, कहीं भी होता है और ये लीगल है। उसमें पुलिस ने मारना शुरू किया, हमें लाठी चार्ज करनी शुरू की, बच्चे भागे। कहीं पे ईंटा आप दिखा दीजिए, ईंटा नहीं था इधर, वो मिट्टी थी, मिट्टी चप्पल गिरी थी, जो बच्चे फिर भाग रहे थे तो चप्पल फेंक रहे थे, जबकि उधर से टीयर गैस चल रही थी। पत्थर पुलिस वालों ने भी मारा है, वहां से शुरुआत हुई। एक दिन हो गया, दूसरे दिन कुछ नहीं ड्रामा हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, ओखला वालों ने निकाला था प्रोटेस्ट। ओखला वालों ने प्रोटेस्ट निकाला, जामिया के लोग सिर्फ देख रहे थे, उतने इन्वॉल्वमेंट नहीं थी हमारी। बच्चे अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, लोग कॉलेज में आए थे क्योंकि लास्ट दिन था, सारा कलेक्शन करना था, पीएचडी स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। हुआ क्या कि पुलिस ने पहले आंसू गैस फेंकने शुरू किए कैंपस के अंदर, बजफ्ता वीडियोस हमारे पास। सड़क पर नहीं, आप ये कह रहे हैं गेट के अंदर जो मारनी शुरू की पुलिस ने। छात्रों के प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सीएबी का विरोध करते हुए छात्रों ने कल से जो प्रोटेस्ट शुरू किया वो हिंसक हुआ, उग्र हुआ, बसें जलाई गई सड़कों पर। तो वैसे में छात्रों का आरोप ये कि उनकी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। कौन ये असामाजिक अराजक तत्व थे, इसकी पहचान की जाए, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाए कि उन्होंने बर्बरता की, महिला छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए। बीती रात देखिए धरने की जो स्थिति थी दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर, जो सुबह 4 बजे जाकर खत्म हुआ जब डिटेन छात्रों को रिहा किया गया। तो अब आज सुबह की तस्वीर भी आपके सामने है जब कड़ाके की सर्दी में शर्टलेस होकर ये छात्र बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग यही कि जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर एक्शन लिया जाए, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन कैंपस के अंदर घुसकर पुलिस ने जो किया उस पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। रोड खाली कर दीजिए प्लीज, रोड जामिया में जिस तरह से बर्बरता के साथ लाठी चार्ज किया गया है, वहाँ मतलब लाइब्रेरी में शांतिपूर्वक जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे उनको वहाँ अंदर जाके तोड़फोड़ करके उनको इस तरीके से मारा गया है कि एक दो लोगों तक जान चली गई है। और फिर मतलब जो टॉयलेट में जो बचना चाह रहे थे उनके टॉयलेट के अंदर भी जा के इस तरीके से मारा गया है, क्या बताएं, मतलब बहुत बुरी तरीके से। और पुलिस जो है यहाँ पे मोबोक्रेसी का काम कर रही है, इस तरीके से जो ब्रूटैलिटी है वो तो स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो अपने हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। और आप ये कहां से कहां उनको इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पता नहीं ट्रेटर्स हैं। और कुछ आपके सोशल मीडिया के कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मतलब चलाने वाले लोग भी हैं जो उन स्टूडेंट्स को बदनाम कर रहे हैं, पूरे के पूरे को बदनाम करने में कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटीज के लोग नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़ा है अगेंस्ट सीएबी, अगेंस्ट एनआरसी और अगेंस्ट द ब्रुटैलिटी ऑफ द दिल्ली पुलिस। क्या संविधान को बचाने की लड़ाई में पुलिस ये बर्बरता हम लोगों पे दिखाएगी? क्या संविधान की बात करना कि उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप लागू कीजिए, क्या इस देश में नया गुनाह बन गया है कि एएमयू में पुलिस घुस गया है, जामिया में पुलिस घुस गया है? क्या यूनिवर्सिटी के अंदर अब ये नियम हो जाएगा
कि पुलिस जो भी आपका विरोध में हो उसको घुस के आप मारेंगे। क्या ये अमित शाह के कहने पे हो रहा है? इस देश में आप पार्लियामेंट मार्च भी नहीं कर सकता है स्टूडेंट, ये हालत जामिया का किया। कल ही जबरदस्त तरीके से, परसों ही बजाबते टीयर गैस चलाया गया और जिस तरह से फायरिंग हुई कल, उसका एकदम ब्रूटलिटी का हद था। गोली चलाया गया और स्टूडेंट को जान से मारने की पूरी कोशिश पुलिस ने किया, तो इसके खिलाफ जबरदस्त अब तो ये भी रिपोर्ट आ रही है पुलिस ही बस में आग लगा रही है। एक घंटे के अंदर लगभग 70 गोला दागा गया है सिर्फ इसका, आंसू गैस का। जामिया के गार्ड ने खुद आज वीडियो, इन सब चीजों का वीडियो है, मैं मुख्य रूप से ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज का साक्षात प्रूफ है, वीडियो में साफ बोल रहा है गार्ड को मारा गया है। गार्ड तो ये पुलिस का क्या मकसद था कि कैंपस के अंदर घुस करके लड़कियों पर लाठी चार्ज करना? आप भी किसी के घर की जो है बहन बेटी हैं, बहू हैं, अगर आपके ऊपर कोई लाठी चार्ज करे, आज हमारी बहन बेटियों की बारी है, कल तुम्हारी की भी आएगी। अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो कल कश्मीर की बारी थी, आज असम की बारी है, कल हमारे घरों की बारी होगी। तो छात्रों के यहाँ पर गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने पक्ष में यह कहा है कि हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन आज सुबह एक बार फिर जब प्रदर्शन की सूरत बनी तो सबसे पहले जामिया का एक छात्र जिसने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया दिल्ली की इस कड़कड़ाती ठंड में, प्रदर्शन के दौरान उसने क्या कहा ये सुनिए। नहीं है, जिस तरह से जामिया के वकार को बदनाम किया गया है, यहाँ के लड़के हिंसक होते हैं, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह। शहजाद क्या चाहते हैं आप अपने आप को इस तरह से क्यों तकलीफ दे रहे हैं? देखिए इनका इनका यही डिमांड है कि दिल्ली पुलिस से कार्रवाई हो ताकि देश की किसी यूनिवर्सिटी में छात्र की आवाज किस तरह कुचला ना जाए बर्बरता से। हम छात्र देश का भविष्य है, हम छात्र देश का भविष्य, आप हमें ही बर्बाद करने में लग गए हैं। थोड़ा सा लो शहजाद भाई, तुम्हें कथा में अपनी मोहब्बत अगर कर रहे हो तो ये लो, तुम्हें कथा में ले। नहीं मैं भूख हड़ताल पर नहीं हूँ ना, हाँ तो ये थोड़ा सा लो जल्दी से देख लो, देखो लो जल्दी। फारूक भाई कल गार्ड को मार पड़ा, एक गार्ड वो सब देख रहे हैं, हम साथ हैं तुम्हारे, हम साथ हैं बड़े भाई। कोई मारता है तो हमारा दिल दुखता है, हमारा भी बहुत दिल दुखता है। कल पता है कल एक फौजी को क्या बोल के मारा गया है? सामान हूँ मैं तेरे कितनी। फारूक भाई पता है कल एक फौजी को क्या बोलकर मारा गया है? कि तू फौजी है, इधर बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। वो सबने देखा है, वो सबने देखा, सबने देख लिया वो चीज, किसी ने नहीं देखा। हालांकि इस पूरी तस्वीर के बाद जब लगातार जो लोग वहां पर मौजूद थे, चाहे प्रशासन की तरफ से या इस छात्र के जो मित्र थे, मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो बाद में इस छात्र ने एक कंबल ले लिया।